हम उस बदनसीब समाज का हिस्सा हैं, जहां सुंदरता का पैमाना गोरा रंग, बुद्धिमता का पैमाना अंग्रेजी भाषा और पढ़ाई का पैमाना केवल अच्छी सरकारी नौकरी है। ठेले वालों की पॉलिथीन प्रदूषण फैलाती है, बाकी मैगी, कुरकुरे, लेज, चिप्स इत्यादि की पॉलिथीन ऑक्सीजन छोड़ती है। किताबें इंकलाब पैदा करती है, इसलिए लाइब्रेरी बंद हैं। शराबे गुलाम पैदा करती है, इसलिए ठेके खुले हैं। जिस देश का युवा एग्जाम कैंसिल होने पर खुश हो और पबजी गेम बैन होने पर दुखी हो, तो बेरोजगार रहना लाजमी है। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है, समाज की एक गंदी सोच है। औरतों की इज्जत, किसानों की जिंदगी और सैनिक की जान, इनको छोड़कर इस देश में सब कुछ महंगा है। खेती हो या बेटी हो, सब तुम्हें ही बचानी है, क्योंकि सत्ता में बैठे नेताओं के पास न खेती है न बेटी है। मस्जिद व चर्च पर बैठने वाला पक्षी कितना भी सेक्युलर हो, जब उसे भूख लगती है तो मंदिर ही आता है, क्योंकि वहीं उसे भोजन मिलता है। बाकी जगहों पर खुद पक्षी ही निवाला बन जाता है, यही हिंदुत्व की विशेषता है। कसाई जिस मुर्गे को काटने के लिए पिंजरे से निकालता है, वही चीखता है, बाकी के मुर्गे दाना खाने में मस्त हैं। यही हाल है आज देश की जनता का। जब तक दाना पानी मिल रहा है, चलने दो, हमारे ऊपर थोड़ी गुजर रही है। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, दलाली, रिश्वत व हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता। जिस देश में बलात्कारी को भी वकील मिलता हो, उस देश में बलात्कार कभी खत्म नहीं हो सकता। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन दुनिया वाले ये कैसे भूल जाते हैं कि वहाँ भेजने में किसी की बेटी का ही अहम रोल होता है, वरना लोग अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। संस्कार बेटियों को भी दें, ताकि कोई बेटों को ना कोसे, कड़वा है पर सत्य है। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख दिन भर इस पर चर्चा करते हैं। हिंदू बनना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद बने, मुस्लिम बनना चाहते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बने, इतने महान नहीं बन सकते तो बस इंसान बने। मैं राजनीति में नहीं जा सकता, क्योंकि जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा, वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते एक महीने के अंदर सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन दंगों में नेता मरने लगे और नेताओं के घर फूकने लगे, उसी दिन से देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। जहां मेडिकल की पढ़ाई की फीस करोड़ों तक पहुंच चुकी हो, वहां के डॉक्टर से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। जितने भी लोग घोटाले करके देश छोड़कर भागे हैं, उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, पर जाहिलों के लिए देश को खतरा मुसलमानों से है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। तो दोस्तों, यह था बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के कुछ कड़वे वचन, जो समाज में फैले कुरीतियों को देखकर उन्होंने कहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।